वेरी गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। तो मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर थर्ड की रीडिंग और वर्मिंग आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए, तो आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द ग्रेट नॉर्थन प्लेन इन इंडिया। ठीक है, जो ग्रेट नॉर्थन प्लेन है आपका, वो इंडिया में उसका लोकेशन क्या है। द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स आर स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ ऑफ द हिमालयस एंड टू द नॉर्थ ऑफ द साउथर्न डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, कहाँ से स्ट्रेच मतलब फैला हुआ है, कहाँ तक, हिमालय के साउथ से लेकर और नॉर्थ डेक्कन के नॉर्थ तक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस रिवर डेट फ्लो थ्रू द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स में बहने वाली वेरियस कई सारे रिवर्स के नाम बताओ। तो वो हैं आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी और घाघरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द रिवर्स फ्लोइंग इन द प्लेन गेट वाटर राउंड द ईयर। इनको ये पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, रिवर्स को, तो फ्रॉम द पीक ऑफ द हिमालयस माउंटेन, तो ये आपको कहाँ से मिलता है, हिमालय माउंटेन से मिलता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द हिमालय रिवर कैरी वाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द माउंटेन। रिवर्स अपने साथ क्या कैरी, क्या ले जाती हैं जब वो नीचे आती हैं माउंटेन से। द हिमालय रिवर्स कैरी रॉक्स, ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। अपने साथ पत्थर, ग्रेवल, कंकड़, सैंड, मिट्टी, सिल्ट जो है, अवसाद, कचरा जो है लेकर नीचे आती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज बताओ आपको, कोई भी चार सहायक नदियों के नाम बताने। ठीक है, तो कोसी, गंडक, थर्ड सोन और फोर्थ गोमती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज़ एल्यूवियम। एल्यूवियम क्या होता है, सेडिमेंट होता है आपका। ठीक है, डिपॉजिट होता है नदियों द्वारा जो लाया गया, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट डिपॉजिट बाय फ्लोइंग रिवर वाटर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन हाउ मेनी बेसिन द ग्रेट नॉर्थन प्लेन हैव बीन डिवाइडेड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि नॉर्थन ग्रेट नॉर्थन प्लेन कितने बेसिन जो हैं, कितने डिवाइडेड हैं और उनके सबके नाम। तो ग्रेट नॉर्थन प्लेन आपको इंडिया का डिवाइडेड है थ्री मेन बेसिन। ठीक, थ्री मेन रिवर बेसिन में, और कौन कौन सा है वो, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्वेश्चन नंबर एट, सतलुज और ब्रह्मपुत्र और कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, तो वह है कैलाश मान सरोवर इन तिब्बत, तिब्बत से। ठीक है, और फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया द माइटी ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में कौन से स्टेट से एंटर करता है, तो वह है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, इसे आप कॉपी में कर लेना।